हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने आज ट्रिपल आर देखने का मन बनाया होगा और कोई आके आपको ये कहता है कि ये क्या बाहुबली की बात क्या होती है, मूवी बना दी है, राक्षस राजा मूवी की पूरी मतलब इमेज गिरा दी है, तो सबसे पहले उसे एक चमाट मारो और सीधा निकलो फिल्म देखने के लिए। दोस्तों, राक्षस राजा मूवी की जो विजुअलाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, उसको कैसे उन्होंने डायरेक्ट किया, एक्स्ट्रा एड्रोनी यार, क्या स्पेशल थैंक्स कहूंगा उनकी वीएफएक्स टीम को, क्या वीएफएक्स क्रिएट किया, मतलब कि वो जंगल्स के सीन हो या वो ब्रिज वाला सीन हो, ब्लॉक बस्टर। फिल्म को कैसे लॉक किया जाता है, सीन्स को कैसे ब्लॉक किया जाता है, वो उनसे एसएस राजामौली सर से सीखे हैं। एसएस राजामौली सर को ना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जहां पर वो सिखाएं डायरेक्टर्स को मूवी की स्टोरी को किस हिसाब से टेलिंग की जाती है। यार, इस मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है ना, बेहतरीन है। आपको फर्स्ट हाफ में शुरू में आपको पता ही चलने वाला है कि फिल्म कहाँ जाने वाली है, मगर फिल्म जो क्लाइमेक्स में आपको दिखाने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। मूवी की इंटरवल सीन्स, जो क्लाइमेक्स सीन है जहां पर राम बन के आते हैं, राम सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यार, क्या लगती है मूवी। आप लोग लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, मूवी को इस हिसाब से प्रेजेंट किया गया। और आप लोगों को मैं बता दूं, फिल्म 1920 पे फिल्म को सेट किया गया है, प्री इंडिपेंडेंट पे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस मूवी की सॉन्ग्स की, तो कई लोगों को सॉन्ग्स पसंद आने वाले हैं और कई लोगों को नहीं आने वाले। ज्यादातर जो इस फिल्म के सॉन्ग्स आप लोगों को पसंद आएंगे वो होंगे नाटो नाटो, और बाकी जो सॉन्ग्स है वो अंडरवेलमिंग है, आप लोगों को कहीं भी वो ज्यादा पसंद नहीं आने वाले। मगर मैं बता दूं, थम्सअप में कहना एमएम किरवानी को जो बीजीएम दिया है, बैंग ऑन यार, मतलब टेरिफिक है। अगर मैं बात करूं इस मूवी में जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की, तो तीनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। जहां पर जूनियर एनटीआर और जो रामचरण सर है, इन्हीं की स्क्रीनिंग ज्यादा है। आलिया भट्ट को मैं लिटरली बताऊं, इस मूवी में इसलिए डाला गया कि वो नॉर्थ ऑडियंस को खींच के लाएं। उसके बाद में उनकी जो स्क्रीनिंग है वो काफी कम नजर आई हुई है फिल्म पे, पर जहां जहां पर भी जूनियर एनटीआर सर की इमोशन सीन से बैंग ऑन, मतलब फिल्म को किस हिसाब से मतलब इमोशन के साथ में पेट्रोलिज्म को दिखाया गया, बेहतरीन रूप से दिखाया गया। अगर मैं इस मूवी की स्टोरी की बात करूं, तो स्टोरी को सेट किया गया 1920 में, आजादी से पहले के सीन्स को क्रिएट किया गया है, जहां पर आप लोगों को पता होगा एक छोटी बच्ची माली को किया जाता है किडनैप। उसी के बीच में दोनों लेजेंड किस हिसाब से उस बच्ची को बचाते हैं और किस हिसाब से फियर फाइटिंग करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ में, इसी पे पूरी फिल्म मतलब की क्रिएट की गई है। और हैट्स ऑफ उनकी स्टोरी टेलिंग के साथ में, स्टोरी जिन्होंने राइट किया उनके और जो हमारे डायरेक्टर हैं एसएस राजामौली सर ने, बेहतरीन काम किया। और मैं ना फिल्म की जो सिनेटोग्राफी है ना, वो बेहतरीन है यार। आप और दोस्तों, फिल्म में कई जगह फैन मूवमेंट्स की टाइप में क्रिएट किया गया, जिस हिसाब से ऑडियंस काफी अच्छा पुल करने वाली है। और लास्ट में जो क्लाइमेक्स सीन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस हिसाब से क्रिएट किया गया कि ऑडियंस के लिए वो आई कैची होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप लोग जाकर इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं थिएटर्स पे। और अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को इस मूवी पे क्या लगा। और बने रहिए हमारे चैनल पे दोस्तों, इसी तरह की मूवीज अपडेट और मूवी के रिव्यूज के लिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।